चौधरी बरादरान से एम के एम के वफ ने मुलाकात की है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया है। जी डी ए रहनुमा गौस बख्श मेहर ने भी चौधरी बरादरान से मुलाकात की है। सियासी मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जारी है। चौधरी बरादरान से एम के एम के वफ की मुलाकात हुई है। तहरीक अदम एतमाद पर बात की गई, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। जबकि जी डी ए रहनुमा गौस बख्श मेहर ने भी चौधरी बरादरान से मुलाकात की है और तमाम तर सूरत हाल पर गौर किया गया है। अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस बताएगा मुलाकातों का अहवाल क्या रहा? देखिए इस वक्त जो गौस बख्श जो मेहर हैं वो मुलाकात करके निकल चुके हैं, जबकि इस वक्त एम के एम का वफ्द चौधरी बरादरान से मुलाकात कर रहा है, जिसमें अमीनुल हक हैं, आमिर खान हैं, वसीम अख्तर हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जहरुल हसन जो हैं वो इस वक्त में शामिल हैं। इनका खुद इस्तकबाल किया है तारिक बशीर चीमा और दिगर ने, और इस वक्त जो काफ लीग की जो क्यादत है उनसे इनका मुलाकात जारी है। दोनों इत्तेहादियों ने इस वक्त सर जोड़े हुए हैं और मुशावरत हो रही है। हुकूमत की तरफ से क्या ऑप्शन है और अपोजिशन की तरफ से क्या बताया जा रहा है, इस वक्त डिस्कशन जो है वो ऑन गोइंग है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद काफ लीग और एम के एम जो है वो मुश्तरका तौर पर अपना एक फैसला करें। उस हवाले से इस वक्त मशावरती अमल चौधरी शुजात के घर पर जो है वो जारी है। ठीक है, वैसे यानी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।